दोस्तों आज हम आपको बताएंगे शीघ्र पतन की समस्या, सप्तन दोष की समस्या का एक ऐसा इलाज जिसको आप घर बैठे खुद भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए शीघ्र पतन क्या होता है कि अगर आप अपनी बीवी के पास जाते हैं हम बिस्तरी करने के लिए और जाते ही जाते फारिग हो जाते हैं, टाइमिंग आपको नहीं मिल पाती, वीर्य का आपका पतलापन हो गया है, जाते ही डिस्चार्ज हो जाते हैं, बीबी को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, तो वो लोग इसका इस्तेमाल किया जाए। जो दवा हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह परेशानी उठाने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं है। जब टाइमिंग नहीं मिलती है, वीर्य का पतलापन होता है, वीर्य जल्द निकल जाता है, तो उसको बोला जाता है शीघ्र पतन हो गया। जी हाँ दोस्तों, शीघ्र पतन हो गया। सप्तन दोष की शिकायत जो होती है वो होती है सोते समय, हम सो रहे हैं, सोते ही सोते अगर हमारा वीर्य निकल जाता है, नाइट फॉल हो जाता है, तो सप्तन दोष इसको कहा जाता है। जो कि सपने में कुछ रोमांटिक मूड में हो जाते हैं तो भी निकल जाता है, कुछ लोगों का बिना सपने के भी निकल जाता है, पता नहीं चलता, सोते रहते हैं और जब आँख उनकी खुलती है नींद से टूटते हैं, नींद से जागते हैं तो उनको देखने को मिलता है कि सारा मसला जो है ख़त्म हो चुका है, जवानी उनकी बर्बाद हो चुकी है और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे लोग बिना टेंशन के बिना झिझक के आप इस दवा का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल भी परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मैं लेकर चलता हूँ आपको नुस्खे की तरफ, नुस्खा किस तरीके से, हमें क्या चीज़ लेनी है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल का तरीका और आप जान जाइए। इंशाल्लाह इस्तेमाल का तरीका अगर आप जान गए तो कभी भी आपको परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों कुर्स कुश्ता कलई लेना है आपको, समझे, कुर्स कुश्ता कलई आपको लेना है और आपको जो है माजून अर्थ खुरमा लेना है। जी हाँ, ये दो चीज़ आपको ले लेना है। अब इसका इस्तेमाल का तरीका जो है वो ये है कि कुर्स कुश्ता की जो हम इस्तेमाल करेंगे तो इसकी दो टिकियाँ लेंगे, दो टिकियाँ लेने के बाद में आप 10 ग्राम माजून के साथ में इस्तेमाल करें। कौन से माजून के? माजून अर्ध खुरमा में दो टिकियाँ मिला करके इस्तेमाल करें। इसके देखिए बेनिफिट, इसके फ़ायदे क्या क्या होंगे, इसको जब इस्तेमाल करेंगे तो सप्तन दोष होना बंद हो जाएगा, शीघ्र पतन की समस्या जो वीर्य के पतलेपन की वजह है वो ख़त्म हो जाएगी, आपका वीर्य गाढ़ा हो जाएगा, वीर्य ज़्यादा बनने लगेगा और जब ज़्यादा बनेगा तो दिली इच्छा बढ़ जाएगी, ज़्यादा हम बिस्तरी करने को मन करेगा, इच्छा बढ़ेगी, जब इच्छा आपकी बढ़ जाएगी तो आप अपनी बीवी को सेटिस्फाई कर पाएंगे, बीवी के बाद में ही डिस्चार्ज होंगे, समझे। इसका इस्तेमाल करें और फ़ायदा हासिल करें दोस्तों।